spoke about hygiene, we spoke about diseases. बजट इसलिए है क्योंकि बीमारियां फैलती हैं. आप खेतों में जाके भी करेंगे यूरिन करने के लिए और भी कई सारे माध्यम हैं. आप कई और जगह जाके भी कर सकते हैं. बाय पीइंग ऑन द रोड, बाय पीइंग ऑन द ट्री और लाइक विलेजेस में बहुत ये सब होता है जिससे काफी बीमारियां फैलती हैं. और एनवायरमेंट को अच्छा रखने के लिए हमने ये एक सोशल मैसेज भी दिया है जिसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. मूत विसर्जन वर्जित है और काफी अच्छा सब्जेक्ट है और हॉरर कॉमेडी है, मसाला है मूवी के अंदर. जब आप मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा वर्जित क्यों है, क्योंकि काफी बीमारियां इस चीज से फैलती हैं और हमें रोड्स पर पी नहीं करना चाहिए, विच इज नॉट गुड. लाइक आई सेड, आई लेफ्ट माई एक्स, माई वन ऑफ माई बॉयफ्रेंड्स, आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, अच्छा नहीं है, यू नो. और अभी हम कोविड से निकल के आए हैं, कितनी बीमारियां किस वजह से फैलती है उसका पता नहीं चलता है. तो इसमें भी कुछ आपको समझ में आएगा जब मूवी की स्क्रिप्ट देखेंगे आप, उसमें क्या होता है. फॉर दैट यू हैव टू वॉच मूत्र विसर्जन वंचित. थैंक यू सो मच केदार पब्लिक. लोग ये सब करते हैं मूत्र विसर्जन, आपके अंदर गुस्सा आता है या आप कंट्रोल करती है या उसी वक्त किसी को सुना देती है, आप क्या करती है? Firstly, good evening everybody. Thank you for such a warm welcome. And like you rightly said that mudra visarjan, I think it's a very important topic nobody talks about. हम सब इसकी जरूर बात करते हैं कि बीच क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, हमें प्लास्टिक कैसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं, हम उन कॉज पे वर्क करते हैं. लेकिन ये चीज जो आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन है, हम सब देखते हैं, हम सबको दिखता है कि हर जगह हर उम्र का इंसान चाहे वो कहीं भी हो ऐसी कोई चीज आपको दिखी जाती है. बट आई डोंट थिंक वी आर टॉकिंग इनफ अबाउट इट. आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली समबडी इज कम अप विद दिस टॉपिक. द नेम इज सो सो बोल्ड. आई एम सो प्राउड ऑफ हर. इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट. एंड इन दिस टाइम जहां पर इतनी सारी फिल्म इतने सारे टॉपिक्स पर बन रही है, ये राइटली उठाया गया टॉपिक है. एंड आई बिलीव इन द टीम एंड श्योर फैबुलस पीपल, ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाएंगे. एंड आई होप दैट वी आर एबल टू चेंज पीपल्स माइंड सेट. और जैसे ये रूम में लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्लिनलीनेस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी बीमारियां, कितने बैक्टीरिया फैल रहे हैं, आई रियली रियली होप कि ये फिल्म के द्वारा ये सारी चीजें हम दूसरों के दिमाग में डालें एंड वी आर एबल टू मेक अ चेंज. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम. आई रियली होप कि आप लोग जो सोच से ये फिल्म बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और बहुत बहुत लोगों के दिलों को छुए, लोगों के माइंड्स बदले और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के द्वारा देखें. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कॉमेडी फिल्म, हर ग्रुप में तीन चार दोस्त होते हैं, लड़के होते हैं जो करते रहते हैं हरकत लगातार, बचपन हो बड़े हो के. कुछ हमारे दोस्त है जैसे विनय, वो अभी भी करते हैं. हाँ, वो होते हफ्ते में एक बार करना है वरना हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, तो उनका ये होता है. तो आपके ग्रुप में ऐसे हैं क्योंकि आपके अच्छे दोस्त हैं, है कि नहीं है? पहली बात तो ये बताए, ये ह्यूमर डाला ना आपने, ये जो आपने इनका नाम लिया है. नहीं नहीं, ये सच में मुझे बोल रहे हैं. दोस्तों के बारे में कुछ है आपके ग्रुप में ऐसे लड़के? जी नहीं, और अगर होंगे भी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड आई रियली डोंट वॉन्ट टू नो. बट अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज आप लोग ये देख लो कि ऐसा बिल्कुल मत करो. आप नहीं समझ पा रहे हो कि कितने बैक्टीरिया, कितनी प्रॉब्लम्स है जो आपके वो दो मिनट की वजह से फैल रही है. सो प्लीज स्टॉप. केवल एक सवाल है, बाकी चलिए आप अपने दोस्तों के साथ 10 लोग गाड़ी में गए लॉन्ग ड्राइव, अच्छा अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लंबा मुंबई टू लोनावला, लोनावला से आगे भी चले गए आप लोग, और सडनली दोस्त बोल रहे जो गाड़ी चला रहा है, जनक अगर मैंने नहीं किया अभी तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी हिलने लग जाता, तो आप क्या कहेंगे उनको? आप बोलेंगे रोको या करो? करो. सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. क्या कॉम्प्लिकेटेड है? उसको आ रही है, 5 घंटा गाड़ी चलाया है, अब जगह नहीं मिला क्या? बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे कोई ड्राइव पे जा रहे हो तो वहाँ पे हर कुछ मिनट में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा. आई एम श्योर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आई एम श्योर आपको शौचालय मिलेगा, वहां पर कुछ मिनट रुककर आप बिल्कुल यूज कर सकते हो. मुझे नहीं लगता कि एकदम से किसी को इतनी ज्यादा आ जाएगी कि गाड़ी हिलने लगेगी और वो 5 मिनट भी रुक नहीं सकता. और अगर कोई कुछ दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहे तो वो चीज हो सकती है. सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप
ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें। क्या बात है, आपने रोमांटिक लाइन शाहरुख खान का शिद्दत वाला आपने मूत्र विसर्जन में कन्वर्ट कर दिया। ह्यूमर आपकी फिल्म में भी तो है। बिल्कुल सही, यानी आपके सारे दोस्त जैसे हितेन के दोस्त हैं, केनाब के दोस्त हैं, वैसे नहीं है। जी हाँ, आपको पता नहीं, केनाब ने तो कहानी बताई थी मुझे। केनाब ने एक लड़के को डंप किया क्योंकि वो बंदा लगातार करता था और हाथ भी नहीं धोता था। देखी नहीं अपने लोगों में, या तो फिर वो शायद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो इसलिए जान के मेरे सामने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। एंड आई रियली होप कि आई नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन, एटलीस्ट इन माय ग्रुप, बिकॉज़ फिर मेरा नजरिया उनको देखने का बहुत बुरी तरह बदल जाएगा। तो आप एक एडवाइस दीजिए हमारे बाकी दोस्तों को, अच्छे दोस्त कैसे पाए, अच्छे दोस्त कैसे पाए, इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं। See, I don't think कि ऐसे करने से इसका मतलब ये है कि इंसान गलत है या इंसान सही है या दोस्त अच्छा नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उन्हें समझाएं कि आप जो चीज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि वो क्या कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उन्हें लगता है कि अरे बचपन से देखते आ रहे हैं ये चीज जो है वो सालों से चलती आ रही है, सो लेट्स नो, हाँ मतलब इट्स सो ओके फॉर बॉयज टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस। आई डोंट थिंक कि उनको सच में रियलाइज हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी फिल्में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीजें बहुत ही कॉमन है वो इतनी कॉमन भी नहीं है और आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। तो आई जस्ट थिंक हमें वो राइट अवेयरनेस और वो बात को उन तक पहुंचाना जरूरी है। एंड आई थिंक फिल्म वो भी अच्छे ही होते हैं जो 100% है। वो तो कोई ये नहीं कह रहा कि बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कोई दोस्त को बैठा, ऐसा दोस्त मुझे करता हुआ दिखता तो मैं बिल्कुल समझाती। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे अलग टॉपिक सिचुएशन और एडवाइसेस दी हैं, तो ये वाली भी मैं बिल्कुल दे देती। लेकिन सच में ये मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलने को नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने लोगों में नहीं देखी या फेस की। और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रिप्स करती नहीं, तो जो 10 घंटे की आपने ड्राइव बोली वो आज तक मैंने कभी नहीं की है। जिससे मुझे पता चला 2 घंटे में भी हो जाता है, ट्रिप्स में 1 घंटे में भी हो जाता है सब। नहीं, अगली बार अगर मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी तो मैं जरूर उनको बोलूंगी आप भी 2-4 सवाल दे देना। मुझे लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूं या हम सब कोई ना कोई उनसे पूछे, मैं आपके सवाल भी लेके जाऊंगी और मैं पक्का उनको बोलूंगी। जैसे हम लोग लिखते कभी कभी कि विशाल का नाम मनाया है, नो स्मोकिंग, जो भी चीजें है, इतना कुछ बोलने के बावजूद सब करते हैं, लाइट निकालता हूँ, स्मोकिंग करते सब कुछ। सो लोगों को ना विजुअल देखने की आदत होगी, हम लोग विजुअल एक विजुअल के थ्रू हम लोग दिखाते हैं, एक ह्यूमर के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि लोगों को याद रहे। सिंपल मैसेज देना चाहिए। बहुत अच्छा, चाहूंगा मुझे आप लोगों ने आमदनी रखी खर्चा रुपया दिल में फिर याद किया, ऐसी कई हिंदी फिल्मों में देखा कॉमेडी करते हुए या रोमांटिक हीरो। भोजपुरी में तो मैं 60-70 फिल्में किया, हीरो ही करता रहा, लेकिन इसमें मेरा कुछ ऐसा रोल है जो कोई सोच ही नहीं सकता और मैं बताना भी नहीं चाहूंगा। मतलब ऐसा चैलेंजिंग रोल मुझे मिला है कि मैं मना ही नहीं कर पाया और मेरे लिए मुझे फिर से डर लग रहा है थोड़ा कि इतना चैलेंजिंग है, कमाल हो जाएगा। और इतना भरोसा रखने के लिए मैं इस टीम का, मेरे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, राजेश भैया का भी। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है, लास्ट टू क्वेश्चन। यूपी के सहारनपुर से आती है, यूपी से आप बिलोंग करते हैं जैसे आपने कहा अभी, और आप हाइजीन की बात कर रहे हो। हाइजीन क्या बात कर रहे हैं यूपी बिहार या ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पर शौचालय बहुत ही कम है। हाँ जी। और मुंबई शहर या ऐसे महानगरों की भी बात करें वहाँ पर भी टॉयलेट्स के इश्यूज रहते हैं, साफ सफाई जिसे सर ने कहा भी इश्यूज है, और स्पेशली वुमेन्स की जो टॉयलेट है उसको लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो ये क्या उस दिशा में भी कुछ काम करने वाली है, उस दिशा में कुछ मैसेज है इस फिल्म का, या ये सिर्फ बॉलीवुड कॉमेडी है, क्या मैसेज है? एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए ये मुद्दा आज भी हमारे देश में है। काफी छोटे जो गांव देहात कस्बे हैं वहां पर शौचालय पूरी तरीके से बने नहीं हैं। लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे कई सारे गांव देहात हैं जहां पर अभी भी टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, एंड विच इज वेरी बैड फॉर वुमेन। क्योंकि लाइक मेरी खुद के जो स्टाफ है जो घर में काम करते हैं, कोई ओडिशा से है, कोई किधर से है, रौरकिला से हैं, तो वो लोग आज भी खेतों में ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेन,
ऐसा नहीं कि आदमी लोग ही जाके पी करके आते हैं और अनहाइजीनिक हो जाता है, औरतों को भी जाना पड़ता है खेतों में जहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। तो मैं खुद यूपी से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो एज अ चाइल्ड मैंने वो दौर देखा है जिसमें हम लोग गाड़ियों में जा रहे होते थे और रास्ते में आपको लग जाती है तो यू हैव टू स्टॉप द कार, एज अ चाइल्ड यू हैव टू गो एंड पी आउटसाइड, लाइक आप शूट शॉट इन ले लद्दाख जहाँ पे आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे फोन का नेटवर्क भी नहीं होता है, तो मैंने लोगों को पत्थरों के पीछे जाकर भी पी करते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली इन यूपी बिहार, इट्स एवरीवेयर इन इंडिया। यस, आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, बट 100% इसका क्योर नहीं है। और इट इज मेनली अबाउट कि जो बीमारियां उससे फैलती हैं, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं पेड़ों के पीछे कर लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं खेतों के ऊपर कर लेते हैं, वही वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें से कौन सी बीमारियां निकल के आ रही है ये तो हमें नहीं मालूम है। हम कोविड की बात करते हैं, हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट द एक्चुअल हाइजीन वी ह्यूमन बींग्स हैव टू रियली मेंटेन इन रियल लाइफ। सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाइक सहारनपुर, आई हैव लिटरली लिव्ड दैट लाइफ एंड आई हैव सीन पीपल पीइंग ऑन द रोड्स, पीपल पीइंग ऑन द ट्रीज एंड इवन ऑन लाइक ऑन द एग्रीकल्चरल ग्रीन लैंड्स व्हिच इज नॉट वेरी गुड। वी नीड टू मेंटेन द हाइजीन एंड ये आपको हमारी मूवी में मुद्दा देखने को मिलेगा। मूवी उसी के इधर गिधर है लेकिन उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हॉरर भी है। कैसे एक सब्जेक्ट की वजह से हॉरर हो जाता है और कॉमेडी भी हो जाती है, और कैसे मूवी ट्रैवल करके हजार साल पहले के बाद ट्रैवल करते करते इस एरा में आती है, और मुद्दा है बीमारियों का, तो वो उसमें काफी लोगों को मैसेज मिलेगा कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। Even the BMC is going to be involved nicely in it, and I'm sure audience is going to love this subject because ऐसा subject अभी तक बना नहीं है। और जब मैंने script सुनी थी तो मुझे लगा performance करने को मिलेगा, और जितने भी किरदार हैं सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, और हम सबने ये movie इसीलिए sign की है क्योंकि ऐसा subject अभी तक की history में बना नहीं है, so वर्जित है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा बोल। विसर्जन वर्जित है, कहा वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है, वर्जित। थैंक यू सो मच नीरज जी फॉर दिस प्रोजेक्ट टुगेदर ऑन बोर्ड, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ अस एंटायर स्टाफ कास्ट, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू शूट विद दिस वर्जित है लाइक अ फैमिली लाइक अ टीम एंड मेक दिस प्रोजेक्ट। और हमारे डायरेक्टर साहब भी एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड रिंकू को ये फिल्म डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिंकू वो बंदा था जो लगातार ये करता था खेतों में, रोड पे, थिएटर के बाहर। आज उनके बारे में ये कुछ मैसेज देंगे। क्या बोलूं मैं, बोल के मैं रिंकू ऐसा मत करना, रिंकू प्लीज ऐसे मत करना यार, प्लीज मूत्र विसर्जन वर्जित है। सो मच एवरीवन, हाँ लॉन्ग राइड्स यू कांट स्किप दैट, तो लॉन्ग ड्राइव बड़ी गाड़ी में, नहीं नहीं हाईवे। अच्छा हाईवे क्लैरिफाई करिए भाई, और तो हाईवे में, तो हाईवे में कभी कभार एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, जैसे मेरा ड्राइवर है मैं सच बोलता हूँ, लोनावला से मुंबई जब आता है या मुंबई से लोनावला, एक ही स्पॉट पे वो रोकता है और वहां पे हल्का हो जाता है वो, तो आपका कोई पर्टिकुलर स्पॉट है कि कहीं पे भी? अरे माइक में बोलो भाई, गर्व से नहीं बोला है। नहीं 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 नहीं, आप भाई बचपन में, हाँ अभी नहीं, भाई भाई अभी भी आप अच्छे ही लगते हैं मुझे। नहीं नहीं सर, वो वाला 2 साल नहीं, ये छोटे वाले, ये छोटे के बचपन में बात कर रहा है अभी। हाँ अच्छा, तो बचपन में आप करते थे? हाँ। कितने उम्र तक? अभी सर उतना तो याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है बचपन में बहुत, मतलब थोड़ा बचपन है ना, आप ऐसे जैसे बात कर रहे जैसे आप इसके बगल में खड़े होते थे जब ये करता था, ये कमेंट्री मार रहे हैं। अरे हुआ है, अरे हुआ है, हुआ है। अच्छा पाजी आप अभी आ जाए तो क्या करेंगे भाई, करनी तो पड़ेगी। तो अभी भी आप करते हो रेगुलर? अच्छा शर्म वाली कौन सी बात है। अच्छा ऐसा क्या, तुम्हारे कहीं पे भी कोई सिलेक्टेड स्पॉट्स है? नहीं जब आ जाए तब, हमारे बगल में 50 लोग खड़े हो कोई टेंशन नहीं, मैं हल्का हूँ। नहीं नहीं एक स्पॉट देखे, एक स्पॉट देखे, पर अगर मानिए आप होते जब मन लगा मैंने हल्का हो गया, आप ये कहते मान के चलिए लिंकिंग रोड पे ट्रैफिक है,
हल्का होने का मन है तो फिर क्या? नहीं नहीं ना, लिंकिंग रोड पे कैसे करेंगे? अच्छा, अब लेडीज, जब हमारे भाई लोग ये करते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या फीलिंग आती है मैम? गुस्सा नहीं आता, आई मीन डिस्गस्ट फील होता है कि कहीं से शुरू रोक के रखना चाहिए, हम लड़कियां कंट्रोल करके रखती तो है, इन्हें आता है। कितना रोके, कितना ही, एक एक पर्टिकुलर टाइम होता, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, ढाई घंटा, मैक्स तीन घंटा। आजकल उससे ज्यादा हो गया है ना कि होता है, बट हर जगह पे रेस्टोरेंट है, सभी सभी सब एक बार मानेंगे, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो जहाँ पे वॉशरूम ही नहीं है तो क्या करो? बोतल में होता है, किसी महारथी ने लिखा पेट्रोल पंप। सही बात, अच्छा मैडम आपने कहा पेट्रोल पंप पे होता है, बट भाई इसकी पॉइंट है, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो टाइम था जब आप करते थे, अभी नहीं कर सकते क्योंकि अफकोर्स गंदा है और हमें देख के यू नो व्हाट एग्जांपल वी आर सेटिंग, तो हम अभी नहीं कर सकते, बट जब किया है मजबूरी में किया है कि वो ऐसा था कि अगर नहीं किया तो अभी पैंड में हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा। दैट वॉज अ टाइम, बट राइट नाउ As someone pointed, there's a petrol pump. Of course, it's in a very bad state. बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन क्या करें, एक हाथ नाक पे रखना पड़ता है और बाकी काम करना पड़ता है। पानी मिल जाए, बॉटल तो मिलती है, पानी की बॉटल हाथ हाथ धो के काम पे चलो, बट दैट इज अ फैक्ट। ठीक है सर जी, आप विनय जी, आप जैसे बैठे हुए, आपकी शक्ल में चेहरे की मुस्कुराहट है, लगता है कि पूरी जिंदगी की कहानी आपके सामने आ रही है। देखिए माइक भी आपको बोलने नहीं दे रहा क्योंकि आपकी कहानियां ऐसी होने वाली है। देखिए बचपन में तो ब्रदर बहुत हम लोगों ने कांड किए हैं, लेकिन अब जैसे कहा जाता है कि भाई दूषित ना किया जाए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हर जगह शौचालय बना रहे हैं, गांव गांव में शौचालय बन गए हैं, तो यही कहना चाहूंगा कि भाई वर्जित है और होना चाहिए, लेकिन भैया अगर जोर से लग गई और कहीं दूर दूर तक कुछ है ही नहीं तो भैया किडनी में स्टोन भी हो सकता है। हाँ, ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सर का। हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। आप सर जी मान लीजिए, सर देखिए माइक आप लोग सर्कुलेट कर सकते हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर विनय भाई ये माइक आप दीजिए अपना इनको प्लीज। बड़े भाई आपके कारनामों के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपकी शक्ल मिलकर आपने बहुत ऐसे कारनामे किए हैं। देखिए बचपन में तो काफी किया है, चलते फिरते में, अभी बीच में मैं ऑन द वे शूट पे जा रहा था लोनावला, तो मुझे बहुत जोर से सुसु आया, तो मैं अभी सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ, आखिर मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी मुझे जहाँ पे कोई नहीं दिखा मुझे ऐसे। तो ये मानी जो इसे विनय कह रहे थे, मैडम कोई टेंशन नहीं, मैडम विनय जी बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, मैडम आप साइड में आ जाइए, लव यू मैडम, आपका भी हम लोग फुटेज जरूर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल, हम खड़े हम सबको पॉपुलर करते हैं, थैंक यू सो मच। तो जैसे विनय जी कह रहे थे अभी कि देखो जब होता है वो बचपन उम्र बड़े होना, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है, है ना, क्या बोल रहे हैं सर जी आप? सर माइक में बोले तो इतना मजा आ जाएगा, आपकी आवाज में इतना बेस भी है सर। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अरे उम्र से कुछ लेना देना नहीं है सर। माए जो होती है ना जब हम छोटे थे वो भारी भेजती थी बाहर चले जाओ, शुरुआत तो वहां से ही होती है हमारी, कभी हमें ये नहीं बोला कि बाथरूम में चले जाओ, वो एकदम भारी जाते थे सर, और वो पेड़ ही दिखता था और कुछ नहीं। और उसके बाद अब ये हो गया है कि जैसे सबने बोला कोई हाईवे कोई इधर कोई उधर, मैं कहता हूं सर अब तो वर्जित है एक्चुअली, अगर आप हाईवे पे भी जाते हो तो आपको कोई खेत दिख जाता है आप वहां कर दे दो, क्या पता वहां पे भाई साहब कोई आलू उग रहा हो, कोई टिंडा बैंगन करेला फूल कुछ तो उग रहा होगा, अब उससे कितने बैक्टीरिया किससे बीमारी कहां से कहां वो वर्जित है सर। बहुत पॉइंट ऑफ व्यू आपने अच्छा किया है। आज मैं बैंगन लौकी सा कि ये जो हरकत है कहीं पे भी हल्का होना
कभी कभार रिश्ते तोड़ देता है दोस्तों, रिश्ते तोड़ देता है। आज ये समझाएंगे आपको, बेटा ध्यान से सुनना। हाय सिद्धार्थ। हाय केनार, बड़ी खूबसूरत अभी है। Yeah, because we're thrilling tonight. Very well, nice. I think you planned and came like when the thoughts were real. जी हमारी नजरें हमेशा आप पर। आज काफी हरी भरी बातें हो रही हैं खेतों की, ग्रीनरी की। मुझे तो बहुत बुढ़ा टेंशन हो रहा था जब सर बोल रहे थे मैं हरियाली देखता हूँ और वहाँ जाता हूँ तो मुझे डर लग गया कि आज अभी उन्होंने बताया मेरे ऊपर। अभी सर ने बोला है कि ब्रिंजल खाने की सब्जियां, मैं तो खाती वेजिटेबल्स हूँ, तो मैं अभी I'm having a second thought now. नहीं एक्चुअली यू नो लाइक आई एम बोर्न इन यूपी इन सहारनपुर, तो एज अ चाइल्ड सिद्धार्थ आई हैव सीन अ लॉट। मैंने रियल में देखा है लोगों को खेतों में जाते हुए, और क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं होती थी। आज भी लोग टूर्स पे जाते हैं, लाइक माय फादर लाइक ही इज अ बिजनेसमैन, व्हेन ही गोज ऑन टूर तो काफी बार ऐसा होता है कि बाहर टॉयलेट्स आर नॉट अवेलेबल इवन टुडे इन यूपी, सो द फैसिलिटी इज स्टिल नॉट देयर। सो आई हैव सीन एज अ चाइल्ड पीपल देयर पीइंग ऑन द रोड्स व्हिच इज नॉट गुड, इट्स अनहाइजीनिक। तो आप खेतों पे अगर जाके पी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया फैलते हैं, उसी से आप वो ही खाना खा रहे हैं। हम लोग पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं बट हम एक्चुअली हाइजीन की बात नहीं करते हैं कि इसको वर्जित करना चाहिए। मेरा खुद का एक रिलेशनशिप था जो जिसमें आई वॉज डेटिंग वन गाय लॉन्ग बैक, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। नाम ले लीजिए ना। नहीं मैं कसम खाता हूँ भरोसा रखिए सारे दोस्तों पर, कोई नाम नहीं बोलेगा बाहर, कोई नहीं बोलेगा नाम। From a very affluent family, very big guy and very unfortunate that you know he would after parties he would just stop the car और एक particular point पे जाके उसको आ जाते थे। And मानी रुकी गाड़ी रुका या वो point देखा भली आ रही है नहीं आ रही है पर वो जाते थे वहाँ पे। हाँ जी, और मुझे वो मतलब इतना बुरा लगता था that after doing that वो हाथ भी नहीं धोते थे। So I would carry my sanitizer because I have a big time OCD and I'm too much into hygiene. और ये particular reason रहा मेरे ब्रेकअप का। तो वर्जित है। तो माने एक इंसान को आपने निकाल डाला, तो दो पॉइंट है यहाँ पे। एक तो वो दीवार देखकर उसी पॉइंट पे रोकते थे, आए नहीं आए पर अंदर से आवाज निकलती थी करो। पता नहीं उनको शायद किक मिलती थी कि मुझे रोड पे करना है, मुझे यहाँ पर आके करना है, मुझे वहां जाके करना है। तो ये कुछ लड़के ना लाइक जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी होते हैं मुंह पे विसर्जन करने के लिए। दे स्टॉप द कार आफ्टर ड्रिंकिंग, दे वांट टू पी एंड दे पी एनीवेयर बट दे नॉट रियलाइजिंग कि आप अनहाइजीनिक चीजें नहीं कर सकते हैं, आप पूरे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो वर्जन। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो हल्का होने के बाद उन्होंने प्रपोज किया है, भूल दिया आपको और आपने बोला मैं भूल नहीं लूंगी, ये लो सैनिटाइजर। नो, आई जस्ट नॉट इवन टच हिम एंड आई वुड कैरी सैनिटाइजर इवन व्हेन आई एम फ्लाइंग लाइक इन द लाइक आई एम इन द एयरक्राफ्ट। मैं वॉशरूम के नॉब्स भी जो है ना टिश्यू पेपर से खोलती हूँ, सो आई हैव अ बिग टाइम ओसीडी और मेरा रियल में रीजन रहा है ब्रेकअप का विच वॉज The reason which that you would pee anywhere. तो सुधर गया, मैं वैसे भी था सुधरा हुआ, but जब हो जाता एक्सट्रीम तो फिर नहीं होती। भाई कितना एक्सट्रीम होता है तेरे साथ यार, तेरा लाइफ ही एक्सट्रीम हो जाए। जब देखो एक्सट्रीम एक्सट्रीम मॉडरेशन में ही तो होता है ना लाइफ में भाई। अब तो शौचालय बन चुकी है तो आप जा सकते हैं। नितिन भाई इसको एडवाइस दीजिए एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में, ये बार बार एक्सट्रीम बोल रहे हैं आप, इससे उम्र में बढ़े हैं बताइए, ये हर चीज इनके लाइफ में एक्सट्रीम क्यों होता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मूत्र विसर्जन। कुछ नहीं होता है, हर जगह अभी मूत्र विसर्जन करने की जगह है, वहां जाया करो और बॉटल तो मिलती है वहां। हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए बाहर, हाथ धोने के लिए मैं कुछ भी कर सकता है। लड़ाई घूमा तो ऐसे कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया बॉटल में नहीं, बट कुछ लोग गाड़ी में बॉटल में भी यूज करते हैं, बट आप हाथ धोने के लिए बॉटल यूज करते हैं ये बोल रहे हैं। अब एक्सट्रीम नहीं होगा। नहीं नहीं अब तो होगा ही नहीं।